का ब्रेक पकड़ोगे तो ये राइट पर मोड़ेगा, अगर लेफ्ट का पकड़ोगे तो ये लेफ्ट पर मोड़ेगा। अच्छा, गियर डायरेक्टली दे सकते हैं, कोई क्लास पास नहीं है? डायरेक्ट नहीं नहीं, ये जो गियर है ये छला निकले, रनिंग चलेगा। घर घर पे लेके जाते तब थोड़ा रनिंग की जरूरत होती है तो ये देता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ट्रैक्टर सीखने जा रहा हूँ, जो हाल करने वाला ट्रैक्टर है वो मैं सीखने जा रहा हूँ। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, जिसका भी ट्रैक्टर होगा वो सीखना तो बनता है, तो मैं ही सीखने जा रहा हूँ आज। आज मेरा ट्रैक्टर का ट्रेनर जो होगा ये मेरा भाई, मेरा फ्रेंड है, मेरे भाई का समान। तो गाइस, ये जो मेरा दोस्त है इसका अभी 3 साल हो गया है ट्रैक्टर चलाए हुए, तो वो आज मुझे ट्रेन करने वाला है, सिखाने वाला है। चाहता हूँ, मैं खुद सीखना चाहता हूँ, इसलिए आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहे, आपको भी सीखने को मिलेगा मेरे साथ साथ। अभी हम सीधा चलते हैं पीरी फील्ड में, क्योंकि पीरी फील्ड में ही रखा हुआ है ऑलरेडी ट्रैक्टर, उधर ही रखा हुआ है, तो हम उधर जाके सीखेंगे कैसे चलाते हैं और कैसे प्लग करते हैं। तो पूरा वीडियो में ये मेरा गाइड बनने वाला है, ये मुझे गाइड करने वाला है, चलिए। तो अभी हम जा रहे हैं पीरी फील्ड में ट्रेनर के साथ, ये हमारा ट्रेनर है। ट्रेनर एक्चुअली गायब हो गया था, 20 मिनट तक गायब हो गया था, नहीं पता कहाँ चला गया था। मैं तो डर गया था यार, शायद मैं पैसे नहीं देने की वजह से ट्रेनर शायद मुझे छोड़ के तो नहीं गया। भूल गया था, वो पढ़ने के लिए गया, स्क्रिप्ट में पढ़ने के लिए गया, बुक पढ़ के अभी आया है ट्रेनर। और वो रहा ट्रैक्टर पीरी फील्ड में पड़ा है अभी। हम अभी इस वीडियो में मैं खुद सीखने वाला हूँ, और ये हमारा ट्रेनर है, और मेरे साथ साथ आपको भी सीखने को मिलेगा। ये मैं पहली बार ट्रैक्टर को हाथ लगा रहा हूँ, नहीं हाथ तो लगाया है लेकिन अभी ना चलाने की फीस की ना कुछ भी नहीं पता है मुझे। और आज का कैमरामैन होगा मेरा भाई। तो गाइस, ये पानी जो है वो गर्म लग रहा है, गर्म है ये, और शायद बारिश आएगा, बारिश आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो अभी हमको शुरू करना चाहिए, नहीं तो बारिश भी आ सकते है, बारिश में थोड़ा दिक्कत होता है करने के लिए। चलो बंद बेर कर। तो गाइस, ये जो आप टूल्स देख रहे हो ये स्टार्ट करने के लिए काम करता है, ऐसे देख जाएंगे गाइस। तो पहले मेरा ट्रेनर जो है वो मैं मुझे समझाएगा कैसे कैसे करना है, तो आप भी ध्यान से सुनिए अगर आपको सीखना है तो। तो अगर राइट का ब्रेक पकड़ोगे तो ये राइट पर मोड़ेगा, अगर लेफ्ट का पकड़ोगे तो ये लेफ्ट पर मोड़ेगा। और ये गियर, ये गियर है। हाँ अच्छा अच्छा, गियर डायरेक्टली दे सकते हैं, कोई क्लास पास नहीं है? डायरेक्ट नहीं नहीं, डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं? हाँ अच्छा, तो क्लच पे लगना पड़ेगा, उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे तब गियर पे डाल के फिर इसको करना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, ये क्लच है, क्लच। मतलब गियर देने से पहले क्लच को दबाना जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले हाँ इसको ऑफ करके रखना पड़ेगा, और जब जब पकड़ के रखते हैं इसको खींच के ऐसे रखना पड़ेगा, जब जब गियर देते हैं तब इसको ऑफ करके रखना पड़ेगा, जब गियर देने के बाद ये ऑन करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब थोड़ा बाइक की तरह ही है, क्लच तो है ही लेकिन ये ऑफ करना पड़ता है एक्चुअली। इसके बाद ये जो है ये गियर है जो नीचे का जो घूमता है गियर, ये नीचे ओ, का मतलब खोपता, ये जो फंक्शन है ये नीचे का जो काम करता है वो, मतलब ये काम करेगा ये घुमाने के लिए काम करेगा। ओ, इसका भी नंबर है देखो भाई लोग, 1 है और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2। गाइस एक्चुअली अब ये जो देख रहे हो ये जो गियर है ये छला निकले रन करने के लिए, लेकिन जो भी गियर देने से पहले आपको क्लास को ऑफ करना पड़ेगा, इसको ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ये देना पड़ेगा, उसके बाद इसको ऑन करना पड़ेगा। ये जो है ये मिट्टी को काटने के लिए काम करता है ये। तो आप लोग ये देख रहे हैं, पहले स्टार्ट करने के लिए इसको ऑन करना पड़ता है, इधर अगर इधर घोड़ोगे तो ये ऑन है, अगर यहाँ पे मोड़ोगे तो ये ऑफ है, इसको घुमा के मतलब खींच के रखना पड़ेगा। हाँ, इसको ऐसे मतलब जो वो घुमाता है ना स्टार्ट करने के लिए, वो जब आप घुमाओगे जब ये छोड़ना है, मतलब इसको घुमा के फिर इसको छोड़ना है। हाँ हो गया हो गया। अरे ये क्यों इतना हार्ड है? तो गाइस ये मेरा सेकंड टाइम है, अभी भी नहीं हो रहा है, ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा
क्लास को चल रहा है। तो अभी अच्छे जगह पर ले जाना होगा क्योंकि मुझे नहीं आता है ना, इसलिए हम वो मिडिल पर लेके जाएंगे। यहाँ पर पेडी है इसलिए मैं तो रिक्स नहीं ले सकता, इसलिए उधर लेके जाएंगे। चलो मिडिल में लेके चलो। मेरा ट्रेनर बताएगा इसका क्या फंक्शन है और कैसे स्पीड ले जाना है और कैसे ब्लेड को काटता है, वो दिखाएगा आपको, बताएगा। इसको खींचने से रनिंग में ज़्यादा होता है, गियर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अगर उसके नीचे वाले का जो घूमता है वो मिट्टी जो काटता है उसको देना है तो उसको नीचे करना पड़ता है। नीचे सिर्फ नीचे? हाँ, नीचे करने के बाद इसको इधर लगाना पड़ेगा। ये नीचे का जो गियर है वो नीचे का ब्लेड का है, तो ये काम नहीं करेगा, मतलब ये खींचने से ये सिर्फ दौड़ेगा, सिर्फ रनिंग चलेगा। घर घर पे लेके जाते तब थोड़ा रनिंग की जरूरत होती है तो ये देता है, लेकिन ब्लेड का काम नहीं करेगा। तब नहीं, ब्लेड का काम करना है तो इसको नीचे नीचे करना पड़ेगा। नीचे करने के बाद गियर भी देना पड़ेगा आपको, ये जीरो पर लगा रखा है। अच्छा भाई साहब, मुझे स्टार्ट करना अभी तक नहीं आ रहा है, इसलिए मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। ये थोड़ा मुश्किल काम है इसलिए मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। इसको घूरने वाला दी दिया है, अभी ये घूरेगा। ये स्पीड बढ़ाने के लिए काम करता है। मैं मुझे नहीं पता था, ट्रेनर ने बाद में आके बोला इसको दबाने से ये स्पीड चलता है। देखिए आप, कुछ कमी रह गई है बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए? नहीं नहीं, सब हो गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ यही है। अरे इतना सिंपल था, लेकिन शुरुआत में इतना डर लगता है ना, क्योंकि जिंदगी में कभी ताश नहीं किया चीज पर डर लग रहा था वो मशीन इस्तेमाल करने समय। चलो बाद में बोलता है, उनको मशीन को थोड़ा साइड में रख देता है। चलो मैं ही लेके दूंगा। तो गाइस, अभी थोड़ा मैं कंक्लूशन आपको बता देता हूँ मैंने क्या सीखा। जो कुछ भी सीखा मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दूंगा, मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक। मतलब शुरुआत में आपको ये देखना होगा, ये ऑन करना पड़ेगा ऐसे करके। ऑन करने के बाद आपको वो स्टार्ट करने के जगह में जाना पड़ेगा, यहाँ पर घुमाने के लिए
ये थोड़ा रिस्की है, मुझे भी थोड़ा डर लगा शुरुआत में, क्योंकि इसको जब घुमाता है इधर का जो स्विच होता है लेफ्ट साइड का, मेरा लेफ्ट साइड का स्विच होता है, ये जो स्विच होता है इसको ऐसे दबा के रखने पड़ता है, इसके बाद घुमाना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको दोनों हाथों में जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो छोड़ना पड़ेगा, ये जो घुमाने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, दोनों को साथ में छोड़ना पड़ेगा। अगर इसको टाइम में नहीं छोड़ सकेगा आप तो ये ऑटोमेटिक घूम जाएगा, तो आपको हार्म भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है ये, क्योंकि घूम जाता है इस होने के बाद। बस अभी मेन पॉइंट पे आता है, गियर पे। मैंने भी सीखा, आप भी सीखिए। बस ये देखिए, यहाँ पर जो कुछ भी आपको गियर देने से पहले ये ऑफ करना पड़ता है, क्लास। इसको आप मान लीजिए ये क्लास है, इसको ऑफ करना पड़ेगा ऐसे करके, पूरा हार्ड है, इसको ऐसे ऑफ करेगा। उसके बाद जो भी गियर देना है आपको ये पहले देना पड़ेगा, उसके बाद जो भी गियर देना है इसे छलने के लिए, ये गियर ऊपर का जो है वो छलने के लिए गियर है। उसके बाद ऑन करना पड़ेगा, ऑन करने के बाद जाएगा ये जीरो है, ये नहीं जाएगा। और अगर स्पीड में ले जाना है तो ये खींचना होगा, ये खींचने के बाद ये स्पीड जाएगा, लेकिन ब्लेड नहीं घूमेगा। ब्लेड घुमाना है तो ये अंदर ही रखना पड़ेगा। उसके बाद गियर है, जो भी गियर उसको अब देना पड़ेगा घुमाने के लिए। ये मेरा ट्रेनर है और मैं इसको बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ, थैंक यू, बड़े देना, थैंक यू आपने मुझे सिखाया। आज का वीडियो यहाँ तक ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू गाइस। सिर्फ एक्चुअली शुरुआत में आपको डर लगेगा, क्योंकि हम कभी तास नहीं किए चीज़ को, तो डर ही लगेगा। मुझे भी डर लगा थोड़ा शुरुआत में, क्योंकि कुछ भी नहीं आता।